तो गाइस चैप्टर 12 में हम लोग HTML div एलिमेंट के बारे में देखेंगे। तो div एलिमेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है पूरे, जब भी आप कोई भी HTML एलिमेंट उठाओगे तो आप उसमें div 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 बहुत सारा div देखोगे, तो आपको 90% 80% हमेशा div एलिमेंट मिलेगा, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट होता है एलिमेंट HTML में। और ये कैसे हम यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें div टैग का यूज़ करना पड़ता है, और div के साथ में स्टाइलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम div में आईडी लगा करके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब div एलिमेंट को मैं आईडी दे सकता हूँ, फिर उस आईडी के ऊपर मैं स्टाइल लगा सकता हूँ। सो div इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। div जो है ये ग्रुप HTML के एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए भी काम में आता है। आप समझ लीजिए कि div एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरे HTML एलिमेंट है, और उस ग्रुप को मेरे को जो भी स्टाइलिंग करना है या लेआउट में जैसे उसे प्लेस करना है वैसा मैं उसे प्लेस कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है एक लाइन ब्रेक बिफोर ड्यू और आफ्टर ड्यू छोड़ देता है, ठीक है। ये पूरा जो भी एक कंटेनर बन रहा है ये बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक बनता है, ब्राउजर इसे एक ब्लॉक की तरह देखता है। इसे हम देखते हैं, आप ड्यू के अंदर कोई भी कंटेंट लगा सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको सिमेंटिक्स में बताया है कि किस तरीके से आप कंटेंट लेंगे, तो सेक्शन लेंगे या एसाइड लेंगे या न्यू बार लेंगे, ड्यू में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ड्यू जो है ब्राउजर को कुछ कंटेंट के बारे में नहीं बताता, बट इट कैन बी प्लेस एनीवेयर, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, इवन न्यू बार के अंदर लगा सकते हैं, हेडर के अंदर लगा सकते, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो div बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आप साइड में देख रहे हो कि ये div के अंदर मैंने बहुत सारे div यूज किए, तो ये मेरा समझ लीजिए कि एक मेन मुझे इस टाइप से कुछ कस्टमाइज कंटेंट बनाना है, तो ये मेरा समझ लीजिए कि मेन div हो गया, ठीक है। उसके अंदर फिर एक और div हो गया, फिर यहाँ पे एक ड्यू आ गया, तो ये सारे क्या है, ये चाइल्ड ड्यू है और ये जो है मेरा मेन ड्यू है। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। इसको हम लाइव सर्वर ओपन करते हैं, एक चैप्टर बनाते हैं, लेट्स से चैप्टर 12 .html okay, close this even and exclamation enter, तो ये आपका एक document बन गया, HTML document बन गया। अब इसको हम open कर लेते हैं live server के साथ, ठीक है। तो ये आपका live server आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस type का जो structure है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेन ड्यू बनाते हैं, यानी ये वाला मेन ड्यू बनाते हैं, ओके। तो मेन ड्यू बनाने के लिए मैं क्या लूंगा, एक लेता हूं ड्यू और उसकी आईडी में सेट कर देता हूं इक्वल टू मेन, ठीक है। अब स्टाइलिंग में जो है यहां पे मैं स्टाइल लगाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरीके से स्टाइल लगा रहा हूँ। अब मेन ड्यू की जो स्टाइलिंग है, मैं समझ लीजिए इसमें जो है एक आपको विड्थ जो है 50% लेते हैं और एक बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमें समझे कि हम मेन के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं, चलिए 50%। यहाँ पे मैं लूंगा हैश आईडी। जब भी हम आईडी लेते हैं ड्यू के अंदर तो हमें हैश लगाना होता है। ये सीएसएस में हम लोग, मैं सीएसएस की भी सीरीज लिंक में डाल दूंगा आपको। सीएसएस यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको एचटीएमएल ड्यू कैसे लिखते हैं। तो सीएसएस अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको सीएसएस वाले सीरीज में ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। तो यहाँ पर मैं विड्थ ले रहा हूँ इसकी 50%, और इसका मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ या बॉर्डर ले लेता हूँ, चलिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर 2 pixel सॉलिड रेड। तो
तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये आईडी जो है यहाँ मुझे आईडी देना होगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे 50% यानी ये फुल का जो है इसमें 50% लिया है ये, और इसमें एक बॉर्डर बना दिया है। अभी उसके अंदर कुछ है नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा मेन ड्यू बन गया। अब इसके अंदर मैं 1, 2, 3 ड्यू और बनाता हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं बनाऊँगा। अभी ये ड्यू बनाया, इसको मैंने आईडी दी 1, यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा मैं 1 की स्टाइलिंग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हेडिंग डाल देता हूँ, कुछ तो एक हेडिंग डालता हूँ। तो हेडिंग हम किस तरीके से डालेंगे, यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ, इसके अंदर हेडिंग मैं डालता हूँ H1 में, और बोलता हूँ कि ये आपको यहाँ दिखना चाहिए, और ये बोलता हूँ कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो है मेरा रेड जो है ये क्या है, मेन ड्यू है, यानी ये वाला, ये इसके अंदर मैंने क्या किया, ये एक ये वाला एक ड्यू बना दिया जिसने पूरी विड्थ थी वो ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी मेन ड्यू के अंदर एक और ड्यू बनाता हूँ, ठीक है, एक और ड्यू बनाता हूं, और उस ड्यू के अंदर मैं इसको मैं देता हूं, मान लीजिए इसकी आईडी हम देते हैं, चलिए अभी आईडी इसका नहीं देते, सबसे पहले इसके अंदर बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं ड्यू देता हूं और एक, और उसका नाम देता हूं मैं आईडी इक्वल टू 2, और एक बनाता हूं जिसको मैं ड्यू देता हूं आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी यहां पर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ना तो मैंने कोई स्टाइल लगाई है ना कुछ लगाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर यानी इस ये वाले ड्यू में यानी यहां पर हम 50-50% का जगह ले लेते हैं। तो 1 में मैं लेता हूं 50%, तो मैं क्या बताऊंगा यहां पे विड्थ 50%, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ चला गया, सॉरी 1 में नहीं लेना है मुझे, 2 में लेना है। तो इसको मैं, मुझे 1 में कुछ नहीं करना है, विड्थ ऑफ 50%, ठीक है। अब वहां पर जो मैं है क्या कुछ एक और एक हेडिंग डालता हूँ, एक H2 हेडिंग डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये H2 हेडिंग डाला, तो यहाँ पर आपको मैं जो है हेडिंग में डालता हूँ Vue.js, ठीक है। अब आपको ये Vue.js है, अब इसकी मैं यहाँ पे बॉर्डर डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना जगह ले रहा है। बॉर्डर डालता हूँ मैं 2 pixel डैश्ड या सॉलिड लेते इसको भी ग्रीन, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा जो है आउटर ड्यू है, ये इसने एक ड्यू है यहाँ ये वाला नंबर 1, ये 100% आ गया, फिट बैठ गया उसमें। उसके बाद मैंने सेकंड लिया ये वाला, तो ये जो है ये सेकंड वाला है। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे थर्ड भी बनाता हूँ, और इसके अंदर एक, चलिए इसके अंदर एक पैराग्राफ भी डालते हैं हम। लोरम लिखने से आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, एक पैराग्राफ आ गया देखिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक और हेडिंग लेता हूँ, और यहाँ पे बोलता हूँ स्वेल्ड, ठीक है। और उसकी भी मैं यहाँ पर जो है एक लोरम से देखिए। अब इसने क्या किया, ये मैंने 50% बताया था, अब ये क्या किया इसने 100% जगह ले लिया, जितनी मिली उतनी ले ली, क्योंकि मैंने कुछ बताई नहीं है। अब मैं क्या करूंगा,
इसको और इसको एक ब्लॉक यानी यहाँ इस तरीके से एक ब्लॉक में डालूंगा, समझ रहे हो? ये डायग्राम देखिए, ये और ये, सॉरी, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक को मैं एक और ब्लॉक में डालने वाला हूं, यानी एक सिंगल ब्लॉक बना के डालूंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यानी कि ये मेरा एक ब्लॉक है और ये मेरा एक ब्लॉक है, तो उसको हम एक और ब्लॉक में डालेंगे ताकि वो सिंगल ब्लॉक बन जाए, तो मुझे स्टाइलिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहां से यहां उठा दिया और यहां पे मैंने इसको आईडी दे दी इक्वल टू लेट्स से सब आईडी दे दी। ठीक है, यानी क्या हुआ, अभी ये जो पूरा ये दोनों मिलाकर यहां पे मैंने एक अलग अलग बनाए थे, अब इसको मेरे को एक ये सिंगल ब्लॉक बनाना है, ये सिंगल ब्लॉक बनाया, तो मैंने क्या किया, यहां पर ये जो डिव है इसको एक सिंगल लिया और इसके अंदर फिर ये एक डिव यानी नंबर टू और ये नंबर थ्री बना लिया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर अभी भी वैसा ही दिख रहा है सीन। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये यहां पर जो मैंने सब ब्लॉक लगाया था मैं इसको टू को भी यहां पे जो है सेट कर इसके बाजू में लाना है, तो मुझे इसकी भी विड्थ 50% लेनी पड़ेगी, तो हैश थ्री कर देता हूं और विड्थ लेता हूं इसकी 50%। ठीक है, तो देखिए ये 50% तो इसने ले लिया लेकिन ये नीचे आ गया। अब ये और ये मैंने एक ब्लॉक में डाला है, तो इसकी जो स्टाइलिंग मैं यहां पे डालता हूं, यहां पे स्टाइलिंग जो है डिस्प्ले मैं फ्लेक्स करूंगा, तो फ्लेक्स करने से क्या हो, एक लाइन में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको किस तरीके से मतलब यहां पर दिखाई पड़ रहा है। मैं इसका जो है अब ये जो बॉर्डर हटा देता हूं। ठीक है, ये बॉर्डर हमने बनाया था आपको दिखाने के लिए, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इसमें मेरे को जैसे और थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, जैसे इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपको यहां पे बैकग्राउंड कलर, फिर उसके नीचे आपको देखिए ये एक ब्लॉक, ये कंप्लीट एक ब्लॉक है यहां पे, ये पूरा एक ब्लॉक है, फिर इस ब्लॉक के अंदर मेरा ये Vue.js है और फिर Svelte है। सो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि मैंने किस तरीके से डिव के अंदर डिव बना करके पूरा मेरा कंटेनर स्ट्रक्चर मैंने खड़ा कर दिया और साथ में उसकी स्टाइलिंग भी करी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डिव में आप आईडी लगा करके उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स पूरे ग्रुप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डिव के बारे में, आपको होप समझ आया होगा। तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।